हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट नौकरी चैनल में। बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर के बारे में। महाराष्ट्र में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आज एक बार फिर से महाराष्ट्र में कई चीजों में बदलाव किया गया। जी हां, अनलॉक की नई गाइडलाइंस जारी हुई है। दुकानदारों के लिए, शॉपकीपर्स के साथ साथ रेस्टोरेंट एंड बार के लिए, होटल्स के लिए और साथ ही सिनेमा हॉल से लेके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तक के लिए सभी के लिए कुछ नए नियम जारी किए गए हैं, आज से लागू हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने स्मार्ट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बात करते हैं सबसे पहले फुल्ली वैक्सीनेटेड लोगों। अब जितने भी लोगों ने कोरोना की दो डोज लगवा रखी है, सिर्फ उन्हीं के लिए मॉल्स में परमिशन होगा, होटल रेस्टोरेंट्स पब में परमिशन होगा और ये सारी चीज़ें रात 10 बजे तक खुली रहेंगी सप्ताह के सातों दिन। अब बात करते हैं लोकल को लेकर। सबसे बड़ा और अहम मुद्दा है लोकल, क्योंकि मुंबई की लाइफलाइन है लोकल ट्रेन और लोकल ट्रेन जब तक बंद रहेगी तब तक समझ लीजिए पूरी तरह से अनलॉक नहीं हुआ। तो मुंबई कर्स के लिए एक अच्छी खबर यह है कि मुंबई कर्स के लिए जो दोनों डोज लगवा रखे हैं वैक्सीन के, उनके लिए तो जो है लोकल के पासेस शुरू हो चुके हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि जिन्होंने वैक्सीन की सिंगल डोज लगवाई है उनके लिए पासेस कब से मिलेंगे, आम महिलाओं के लिए पासेस कब मिलेंगे, स्कूल्स के बच्चों के लिए पासेस कब मिलेंगे, कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए पासेस कब मिलेंगे। तो दोस्तों, यहां पे मैं आपको क्लियर कर दूं कि सूत्रों के अनुसार जो जानकारी मिल रही है कि आने वाले 20 अगस्त में यानी 5 दिन के अंतराल के बाद ही जो वैक्सीन की जो प्रोसेस है उसको जो है तेज किया जाएगा और साथ ही जो लोग सबसे ज़्यादा नेसेसरी जैसे स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, टीचर, स्टाफ, इन तमाम लोगों के लिए और घरेलू काम करने वाली महिलाओं के लिए 20 अगस्त से सिंगल डोज लगवा चुके लोगों को भी लोकल के पासेस दिए जाने शुरू हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ी अच्छी खासी जांच पड़ताल की जाएगी कि आप अगर वैक्सीन नहीं लगवाए हैं दूसरी डोज तो उसके लिए आपको जो है कितना टाइम है और कितने समय में आपको जो है लगवाना है, इन तमाम चीज़ों के साथ आपको वेरिफिकेशन किया जाएगा और उसके बाद आपको पासेस देना शुरू कर दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे अपने अगले वीडियो में।